भागलपुर के जगदीशपुर के पुराना प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र में लूटपाट का मामला सामने आया है। प्रशिक्षण केंद्र के संचालक दिवेश कुमार महतो द्वारा इस मामले को लेकर जगदीशपुर थाना में आवेदन देते हुए बताया गया है कि बुधवार की रात्रि करीब 1:05 की संख्या में अज्ञात अपराधियों द्वारा वहां मौजूद गार्ड को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र के 18 लैपटॉप, 4 लैपटॉप का चार्जर, 7 मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा का DVR, 1 प्रोजेक्ट, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस तथा स्पीकर सहित करीब 5,00,000 सामान लूट लिया गया है। वहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड फतेहपुर पोखर टोला निवासी पवन कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मैं बाहर गेट के पास सोया हुआ था, इसी दौरान लुटेरे पीछे से खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया और हथियार के बल पर मुझे बंधक बना लिया और सारा सामान लूट लिया। परंतु घटना देर रात की है और गार्ड द्वारा गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे अपने संचालक को सूचना दी गई, जबकि संचालक द्वारा जगदीशपुर थाना को करीब 11 बजे दिन में इस बात की जानकारी दी गई। करीब 12 बजे जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया, इसलिए गार्ड की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। वहीं जगदीशपुर पुलिस गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या घटना हुआ है? यहाँ हथियार के बल पे 18 लैपटॉप प्रोजेक्टर लूटकर चला गया। पहले आया तो क्या बोला आपको? बोला हल्ला नहीं करेगा नहीं तब फिर तुमको जान से मार देंगे। तो कैसे पता घुसा, कैसे आपको पता चला? इधर से घुसा। आपको किस रूम में सोए हुए थे? वो गेट के पास सोए हुए थे। तो वहाँ से घुसा, उसके बाद क्या बोला आपको? जान से मार देंगे, जैसे देखिए न खोले न, बस एक झट से आ गया मेरे पास और पकड़ लिया। पकड़ के सामान सटाया? पहचाने ना किसी को? नहीं, मुँह में बांधा हुआ था। क्या आदमी था? पांच आदमी था। किस ओर भागा लेकर के? इधर से ही निकला। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।